राम के साथ, भगवान राम के साथ हजारों वर्ष पहले भी देश के लिए लड़ा था और आज फिर हम लोग मजबूती के साथ इस बात को कह सकते हैं कि इन्हीं बंधुओं की मदद से नक्सलवाद का भी खात्मा होगा और इन्हीं बंधुओं के बल पर धर्मांतरण की अनैतिक और वैध गतिविधियों को पूरी तरह लगाम लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में करेगी। भैया बहनों, छत्तीसगढ़ का अपना महत्व है, प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है इस धरती पर, भगवान राम को भी अपने वनवास कालखंड की भूमि के रूप में इस धरती को चुनना पड़ा था। याद करिए, यही पे आकर के उन्होंने अपने पूरे वनवास कालखंड को व्यतीत किया था, इन्हीं बंधुओं के बीच में व्यतीत किया था और कारण था यहां की प्राकृतिक सुंदरता और कारण था माता कौशल्या, जो भगवान राम की मां थी और उनका मायका भी तो छत्तीसगढ़ी है। याद करिए, आपको सरकार चुनने का सौभाग्य कब प्राप्त हो रहा है, जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। खुशी तो आपको भी होगी ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं, मणिराम कश्यप यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए यहाँ के बंधुओं को भी लेकर के आएंगे। जनता पार्टी बोलती और क्यों घोषणा नहीं करती, करके दिखाती है। जो पहले असंभव था अयोध्या में राम मंदिर का निवास, ये कांग्रेस की देन थी, ये समाधान नहीं होना देना चाहती थी। मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने विवाद का समाधान कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसे ही गरीब के लिए मकान नहीं, यह काम मोदी जी ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान दिए, लेकिन पिछले 5 वर्ष में 16 लाख मकान छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने यह पैसा भी बंदर मान कर दिया। यह पैसा यहाँ के गरीबों के उत्थान के लिए था, उनके सिर को ढकने के लिए था। प्रधानमंत्री जी ने जो पैसा भेजा था, क्या उससे मकान मिला क्या यहाँ के गरीबों को? क्या यहाँ गरीबों को मकान मिला? नहीं मिला। लेकिन भाजपा को आने दीजिए, भाजपा मकान देगी। 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना फिर से उपलब्ध करवाने का वायदा लोक कल्याण संकल्प पत्र में परसों माननीय गृह मंत्री जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने परसों घोषणा कर दी है। ये 18 लाख गरीब लखपति बनेंगे, याद रखना, ये काम केवल भाजपा ही कर पाएगी। भाइयों बहनों, हर घर नल योजना से घर घर जल मिला, मोदी जी ने पैसा दिया था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 150 लाख यानी 1.5 करोड़ परिवारों को हर घर नल दे दिया, हर परिवार में आरओ का पानी पहुंचा दिया। शुद्ध पानी का मतलब बीमारी का समाधान हो जाना, पूरी तरह समाधान हो जाना, और उस बीमारी को पूरी तरह मुक्त करने के लिए व्यक्ति स्वस्थ रह सके, इसके लिए यह कार्य मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया। छत्तीसगढ़ में ये पैसा भी बंदर बांट हो गया। हर घर नल योजना मिली क्या? नहीं मिली।
यहां पर किसी भी योजना को प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लागू ही नहीं होने दिया है, और इसीलिए यहां का गरीब बेबस एक ही प्रश्न पूछता है और पूछ रहा है, हमन ल तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का, यही तो प्रश्न पूछता है कि हमें तो नहीं मिला क्या, आपको मिल गया क्या? वही बेबस तरीके से कहता, नहीं मिला। भैया मेरा ये बेबसी, ये लाचारी कब तक? ये कांग्रेस ये गरीबों का हक हड़प ले रही है, ये कांग्रेस गरीबों के हकों पे डाका डाल रही है, ये कांग्रेस यहाँ के संसाधनों पर डकैती डाल रही है, यहाँ पे कोयला घोटाला हो रहा है, यहाँ पर खनन घोटाला हो रहा है, यहाँ पर नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में घोटाला हो रहा है, और यहाँ पर भाइयों बहनों हमने बिहार में तो सुना था कि लालू जी की सरकार आई थी, उन्होंने चारा खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था, और कांग्रेस की सरकार यहाँ गोबर ही पचा गई, यानी अन्नदाता किसानों के खेतों में जो गोबर पड़ना चाहिए था उसके नाम पर भी 10 रुपया किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए डकार गई है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड गांव गांव में पगडंडी बनाने के लिए, कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए, यहाँ के स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए स्थापित होने चाहिए थे, उस पैसे को भी टकार गए कांग्रेस के नेताओं में बंदर बांट कर दिया। भैया बहनों क्या भूपेश बघेल ने कोई जांच करवाई? नहीं करवाएंगे जांच, हम आएंगे, हम जांच करवाएंगे, भाजपा जांच करवाएंगे, जेल में देगी और ऐसी सजा करेगी जैसे उत्तर प्रदेश में देखते होंगे ना, माफिया के खिलाफ क्या होता है। ये बोखलाहट है जो कल रतन दुबे के साथ हुआ है, स्वर्गीय रतन दुबे के साथ जो हुआ है, ये नक्सलवादियों के कांग्रेसियों की बोखलाहट है। उनको मालूम है डबल इंजन की सरकार आ रही है और आते ही इनकी छाती पर भी यूपी का बुलडोजर रौंदेगा इनको। भैया बहनों मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, यहां पे मैं कल गया था एक कार्यक्रम है, हमारा एक कार्यकर्ता ईश्वर साहू चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पुत्र भुवनेश्वर साहू की हत्या इसलिए कर दी थी, उस नौजवान ने अपने गांव में लव जिहाद के माध्यम से एक बालिका को झूठे प्रलोभन दे करके, धोखा दे करके जबरन उसको मुसलमान बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया, और उस बालिका ने जब इसका विरोध किया, कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई, और उस बालिका का समर्थन कर रहे थे भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू की उन्हीं के गांव में कांग्रेस के नेताओं की सौ पर निर्मम हत्या कर दी गई। ये लव जिहाद के नाम से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक गरीब की हत्या करेंगे, स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आदिवासी, एक वनवासी, एक पिछड़े जाति के नौजवान की हत्या करेंगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। धर्मांतरण के नाम पर जिस प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों को ये सरकार प्रश्रय दे रही है, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भाइयों बहनों आपको राम की विरासत से दूर करने का प्रयास हो रहा है, या आपको माता दंतेश्वरी की विरासत से, या आपको गंगा देवी माता की विरासत से दूर करने का प्रयास हो रहा है, आपके पूर्वजों की परंपरा से दूर करने का प्रयास हो रहा है, और इसलिए इस साजिश को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए हम सबको अब मिलकर के कार्य करना होगा। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में कल भी मैं था, एक ही आवाज आ रही है, और भाइयों और आवाज है कि अब न सही हो, अब न सही हो। भाइयों बहनों हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना है। छत्तीसगढ़ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, इसलिए बनाया था यहाँ के बंधुओं को,
विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार किया जा सके और इसको भाजपा की सरकार ने अपने समय में करने का प्रयास भी किया। लेकिन भाइयों बहनों, जो सपने छत्तीसगढ़ के थे 5 वर्ष में धूप दूषित थे, उन सपनों को पूरी तरह तार तार किया है कांग्रेस सरकार ने। भाइयों बहनों, हम सब आज आपके पास आए हैं आपसे यही कहने के लिए, एक कांग्रेस बस्तर जैसे धनी संपदा से संपन्न, प्राकृतिक संपदा से संपन्न इस क्षेत्र विकास को पूरी तरह बाधित कर देना चाहती है और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विकास की एक नई कथा, डबल इंजन की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लिखना चाहती है और बस्तर में भी लिखना चाहती है। हम लोग बस्तर को स्वर्गीय बलिराम कश्यप के अनुरूप विकास की एक नई कथा के रूप में आगे बढ़ा देना चाहते हैं, राम राज्य की भूमि बना देना चाहते हैं, माता दंतेश्वरी के धाम के रूप में इसे विख्यात कर देना चाहते हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। और आप सबसे मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी, अत्याचारी कांग्रेसी सरकार के खिलाफ हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए, अब न सही को बदल के रहो, अब न सही को। और हम सबको एक ही बात को कहना है, तैयारी पूरी है भाजपा, तैयारी पूरी है भाजपा जरूरी है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने श्री मणिराम कश्यप को, भाइयों बहनों, मणिराम कश्यप एक सामान्य कार्यकर्ता है आपका, आप इनको पहचान रहे हैं ना, मणिराम कश्यप के साथ समर्थन में एक बार जोरदार तरीके से अपने हाथ को ऊपर करिए। सभी लोग सहमत है तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, गंगा दई माता की, गंगा दई माता की।